फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वुमेंस क्रिएटिविटी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह आप पुरानी साड़ी से भी रीयूज़ करके एक नया ड्रेस बना सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको मेरी कलेक्शन बताऊँगी जो मैंने साड़ी के रीयूज़ किया हुआ है। तो आज मैं ऐसे पैटर्न बनाऊँगी, जैसे कि मैंने प्रिंटेड साड़ी जो थी उसका मैंने कफ्तान पैटर्न बना लिया है। जो प्रिंटेड साड़ी थी मैंने उसका आजकल जो चल रहा है शरारा पैटर्न बनाया है। और ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आप ले सकते हैं, जैसे कि प्रिंटेड से आजकल प्रिंटेड जो है गाउन बहुत निकली है, सिंपल सी गाउन बना सकते हो। प्रिंटेड कुर्ते निकले हैं, मैंने प्रिंटेड कुर्ते पर भी एक वीडियो बनाया है जिससे मैंने प्रिंटेड साड़ी के रीयूज़ किए हुए कुर्ते बनाए थे, वो भी आप देख सकते हैं। उसी तरीके से ऐसी साड़ी थी जो मेरे पास बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी मेरी मदर इन लॉ की, तो ऐसे साड़ी का भी जो है मैंने रीयूज़ किया है। तो उस साड़ी को क्या करना है, आप उसकी जो बॉर्डर है या तो वो निकाल ले, पल्लू अच्छा का होता है तो उसे निकाल के रीयूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे पास जो हाफ़ एंड हाफ़ की बहुत साड़ी उस टाइम बहुत इन थी हाफ़ एंड हाफ़ साड़ी की, तो हर किसी के पास ये साड़ी तो रहती ही है हाफ़ एंड हाफ़ की, तो उसका मैं बताऊँगी कि किस तरह से मैंने उसका रीयूज़ करके ड्रेस बनाया है। तो चलिए देखते हैं मेरे रीयूज़ किए हुए ड्रेसेस को। सबसे पहले मैं जो ड्रेस दिखाने वाली हूँ वो है कप्तान पैटर्न। ये भी मैंने जो है वो साड़ी से रीयूज़ किया हुआ है। तो ये बहुत कॉमन सी साड़ी है, हर किसी के पास रहती थी पहले, तो ये साड़ी की प्रिंट तो सब वाकिफ ही होंगे अच्छी तरीके से। तो इस साड़ी का जो ये मैंने पैटर्न बनाया है वो है कप्तान पैटर्न। तो बहुत ईजी होता है कप्तान पैटर्न बनाना, बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। इसमें सिर्फ आपको गला बनाना है और बॉडी का जो भी ड्रेस है आपका पुराना वो ड्रेस रख के इसकी मार्किंग कर लीजिए और उस साइड से स्टिचिंग लगा लीजिए, सिलाई लगा लीजिए। देखिए ये कप्तान पैटर्न है। इसे थोड़ा सा और स्टाइलिश बताने के लिए मैंने जो है साइड में जो है इसकी पोम पोम की देखिए लेस लगाई है, और इसे मैं जो हूँ वाइट पैंट पे ही कैरी करती हूँ कि इसलिए मैंने ये वाइट लगाई है। और अपने हिसाब से आप तो लगाना रहा तो लगा सकते हो अपने हिसाब से कलर की। तो ये मैं ड्रेस पहन के दिखाऊँगी आपको, देखिए बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। जो ड्रेस है वो भी साड़ी का ही रीयूज़ किया हुआ है। ये वाली साड़ी भी बहुत ज़्यादा कॉमन में थी आज से 10 साल पहले। ये हाफ एंड हाफ की साड़ी है, ये हाफ एंड हाफ की साड़ी थी। तो ये जो आप साइड देख रहे हैं ये जो था ये पल्लों का साइड था, नेट का था। और ये जो ड्रेस का आपको ये साइड दिख रहा होगा, ये जो है रैपिंग साइड था इसका। तो मैंने इसके लिए क्या किया है, इसका जो पल्लो था तो पल्लो को इस तरीके से, ये जो आपको अंदर ब्लू शीट दिख रही है इनर की, तो ये मैंने कपड़ा लेकर आया था आधा मीटर का, तो ब्लू कलर का इसके ऊपर कॉम्बिनेशन अच्छा हो रहा था, तो मैंने अंदर ब्लू कलर का प्रिंट का जो है ब्रासो कपड़े का डाला है इसके अंदर। और जो इसमें एम्ब्रॉयडरी थी नेट की, इस तरीके से इसको सेट किया है कि ये गला नज़र आए, तो मैंने दो पैचेस के बीच में इसका गला बनाने लगाया था क्योंकि उस टाइम मुझे सिलाई नहीं आती थी, तो ये मेरी सिस्टर ने सीखे दिया है। अभी मैंने सिलाई अभी ही सीखा है तो इसलिए मैं ड्रेस अभी कटिंग करके स्टिचिंग करके दिखाती हूँ, अदरवाइज ये मैंने अपनी सिस्टर से ही सिलवाया है। तो ये जो ड्रेस के देखिए ये वर्क, और इसकी जो स्लीव्स में भी ऐसी ही देखिए वर्क करी हुई जो एम्ब्रॉयडरी है जो ऐसी आई है, जैसे कि ये नहीं लगता है कि ये हाफ एंड हाफ ये कोई साड़ी का रीयूज़ किया हुआ है, ये एकदम मतलब रेडीमेड मटेरियल नज़र आता है। और ये पैटर्न जो है ये ओपन स्लिट पैटर्न है, यहाँ से देखिए ओपन स्लिट है ये वाला, और इसको मैंने थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए ये वाली लेस लेकर आ गई थी।
तो ये भी लेस जो है वो ब्लू कलर में ही है, क्योंकि मैंने जो इसको कैरी किया था ब्लू कलर के प्लाजो में कैरी किया था। पहनने के बाद मैं इसे भी बताऊंगी कि ये कैसा नज़र आता है। तो ये भी एक जो साड़ी का रीयूज़ किया हुआ है, ये भी साड़ी का जो पैटर्न है बहुत हर किसी के पास होगा, हाफ एंड हाफ साड़ी का, जो कि आजकल इनमें नहीं है, तो इस तरीके का भी आप ड्रेस इस पर बना सकती है अगर आपके पास ये साड़ी है तो। तो ये देखिए इसका ड्रेस, इसका बैक साइड पैटर्न भी देखिए ऐसे आया है, और यहाँ भी साड़ी का ये रैप किया हुआ है। तीसरी साड़ी जो मैं बताने वाली हूँ आपको, इसकी भी ये कहानी है कि ये जो साड़ी थी वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी, मतलब जगह जगह से ये जो सुराख पड़ गए थे या निकस गए थे बोलेंगे तो इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, सिर्फ उसकी जो बॉर्डर है वो बॉर्डर को यूज़ किया है। तो ये वर्क वाली साड़ी थी, इसकी बॉर्डर की जितनी भी साड़ी की बॉर्डर और पल्लो था वर्क वाला वो मैंने निकाल लिया था, बाकी कपड़ा नया लगा के मैंने इसके ऊपर स्टिच किया है। तो चलिए ये भी ड्रेस देखते हैं। ये ड्रेस बहुत प्यारा नज़र आता है पहनने में भी और दिखने में भी। तो ये देखिए ये जो साड़ी का मैं आपको बताती हूँ कि खाली जो है ये साड़ी का पल्लू था, ये आपको अलग ही बॉर्डर दिख रही है साड़ी की, ये पूरी साड़ी की जो है बॉर्डर थी। तो बॉर्डर को हमने यहाँ पे भी बॉर्डर यूज़ किया हुआ है। तो मैंने एक नेट का कपड़ा ला के इसके अम्ब्रेला जो गाउन आती है अम्ब्रेला गाउन बनाया फ्लो टच की। तो ये पूरी देखिए इसके ऊपर इस तरीके का वर्क किया है। तो आपके पास भी ऐसी साड़ी हो जो टोटल डैमेज हो गई हो, अगर उसका वर्क अच्छा हो बॉर्डर अच्छी हो, उसे भी निकाल के आप एक नया ड्रेस बना सकती है। ये देखिए जैसे ये मैंने रीयूज़ किया है। इसे शायद पहनने के बाद मैं अच्छे से इसे बता सकूं ये ड्रेस का पैटर्न कैसा है। तो इसकी चुन्नी पर यानी दुपट्टे पर भी मैंने ऐसे ही वर्क किया है। ये देखिए ये दुपट्टे पर भी मैंने जो बॉर्डर बची हुई थी इसका भी रीयूज़ यहाँ पे दुपट्टे पे कर लिया है। तो इसकी दुपट्टा भी थोड़ा सा फैंसी बन गया है। और ये तो टोटल ही वेडिंग ड्रेस है, आप कोई भी शादी में पहन सकते हैं। अब मैं अभी तक पहन रही हूँ, इसे बनाए हुए कुछ 6 साल हो चुके हैं और मैं अभी तक इसे कैरी करती हूँ। तो इस तरीके से भी आपके पास ऐसी ओल्ड साड़ी हो जो डैमेज हो गई हो उसका भी रीयूज़ कर सकते हैं, ऐसी साड़ी जो आउट ऑफ फैशन हो गई हो उसे भी आप रीयूज़ में ला सकते हैं, नया ट्रेंडी ड्रेस बना सकते हैं, ऐसी साड़ी जो प्रिंटेड है तो उसका भी आजकल जो ट्रेंडी जो पैटर्न चल रहा है आप उसे बना सकते हैं। आई होप आपको ये मेरे आइडियाज़ पसंद आए होंगे। अगर मेरे आइडियाज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ वेट कीजिए मेरे अगले वीडियो का, और मैं अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपको देती रहूँगी।